एक टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो ना होके एक अदर वीडियो दे रहा हूँ मैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आजकल हर इंसान के शरीर की एक सबसे अनमोल रत्न होती है, वो होती है आई, यानी आँख। क्योंकि शरीर का सबसे बहुत ही ज़्यादा अनमोल रत्न है ये आई की आँख। क्योंकि अगर हमारे पास ये आँखें नहीं दी होती ईश्वर ने, तो हम एक दूसरे को ना देख सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को जो है बचाने के लिए, अपने आँखों को सुरक्षित रखने के लिए, फ्रेंड्स, जो है आजकल जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो आई फ्लू के नाम से जाना जाता है। आई फ्लू एक फ्रेंड्स वायरस होता है, जो हमारे आँखों में आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये जो है हमारे आँखों को खतरा, नुकसान और बहुत घातक साबित हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके आने की संभावनाएं होती हैं, सारी चीज़ हम इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि हर कैंडिडेट जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड हैं, नॉन टेक्निकल से रिलेटेड, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, क्योंकि हर किसी को जानना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो लक्षण होते हैं, जो ये हमारी आँखों में जो घरेलू आमतौर पे कहते हैं लोग कि आँख आ गई है, आँख में लालपन आ गया है, तो ये घरेलू शब्द होते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं, आने की संभावनाएं क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, मैं थोड़ा से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि हमारी आँख में एक छोटी सी झिर्री होती है, झिल्ली होती है, जो परत चढ़ी होती है। ठीक है, उस परत को फ्रेंड्स हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं फ्रेंड्स, उस परत को। ठीक है, उस परत को हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी फ्रेंड्स जो है जुखाम का असर मुझे है, ठीक है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ वीडियो। ठीक है, तो चलिए, तो ये परत होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है कि लाल हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है हमारे लिए, आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये लाल होने का रीज़न क्या है। लाल होने का रीज़न फ्रेंड्स है कि हमारे वातावरण में जितने भी वायरस हैं, ठीक है, जितने भी ये गंदगी है, या फिर इसको गंदगी हो गई, और फिर उसके बाद धूल है, मिट्टी है, ये अनेक अनेक वातावरण में जो संक्रमण हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर पे ही नुकसानदेह, और ये बीमारी पैदा करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग वातावरण को शुद्ध रखिएगा, वातावरण को साफ़ सुथरा रखिएगा, ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ रीज़न है। और आने का सबसे बड़ा रीज़न फ्रेंड्स ये है कि हमारे आँखों में सूजन आना, ठीक है, और आँखों से पानी आना, ठीक है, आँखों से कीचड़ आना, ये सारी चीज़ें आने का वो है कि अगर हमारे ऐसे भी संक्रमण होने की संभावनाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए, आँखों में कीचड़ ज़्यादा आना, आँखों में लाल होना, सुबह उठने पर आँख चिपक जाना, ठीक है, सूजन आना, ये आँख दर्द करना, ये सारी समस्या अगर हो रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह से आप वहाँ ड्राफ्ट वगैरह ले सकते हो, या फिर सबसे बेटर मैं बता दूँ कि आप गुलाब जल से आप आँखों को अपने धुलिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैं बता दिया पहले। और ये जो आई फ्लू, जिसे हम आँख आने का नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और संक्रमण अनदेखा किया तो आँख खराब होने की खतरा बहुत ही ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। और इस परत को मैंने जो बता दिया पहले ही कि कंजक्टिवा इसका नाम होता है, जो आँखों के ऊपर जो परत होती है, वो परत लाल हो जाती है, जिसे आँख आने का नाम दिया जाता है घरेलू शब्द में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड्स, कि आप लोग हर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर कैंडिडेट, हर नौजवान, या फिर छोटे बड़े जितने भी हैं, सारे लोग इसको जान सकें कि हम अपने साफ़ सुथरे शरीर को रखें, वातावरण अच्छा रखें। ठीक है, धूल मिट्टी में कम जो है, जहाँ गंदगी फैल रही है वहाँ जाने की कम कोशिश करें, और जिसको आई फ्लू हुआ है उससे हाथ ना मिलाएं, उससे गले ना मिलें, उससे दूर रहें, ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग
बने रहिएगा इस चैनल पे इंजीनियर SK 0.1 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।